দুর্গার দুর্গ রক্ষার্থে ডুমডুমাত কংগ্রেস দলের জনপ্রিয় নেতা রাহুল গান্ধীর রণহুঙ্কার। ডুমডুমাত পাঁচটা গ্যারান্টির সঙ্গে কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচার। নরেন্দ্র মোদী পশ্চিমবঙ্গের লগতে অসমতো ব্যাপক গরম হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে রাজনৈতিক বতা। অসম বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম পর্যায়ের ভোটগ্রহণের দিন চমু চাপি অহার লগে উজনি অসমত ভিড় করেছে সেই হাই প্রোফাইল নেতা তথা স্টার ক্যাম্পেইনার। আজি ডুমডুমা নগর খেলপথারত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলের বিশাল নির্বাচনী সভা আয়োজন করে। 10 বছর ডুমডুমাত বিধায়ক হিসাবে থাকা দুর্গা ভূমিজর হয়ে নির্বাচনী প্রচার চলায় কংগ্রেসের যুব নেতা রাহুল গান্ধীয়ে। কা বাতিলর গ্যারান্টি, 5 লাখ সরকারি চাকরির গ্যারান্টি, চাহ শ্রমিকক 365 টাকা দৈনিক মজুরির গ্যারান্টি, 200 ইউনিটলৈকে মাহিলী বিনামূলীয় বিজুলির গ্যারান্টি, 2000 টাকাকৈ প্রতিমাহে গৃহিণীলৈ গ্যারান্টি সহ মুঠ 5টা গ্যারান্টি লৈ ডুমডুমাত কংগ্রেসের জনপ্রিয় নেতা রাহুল গান্ধীয়ে বিশাল নির্বাচনী প্রচার চলোৱা দেখা যায়। প্রায় 20,000 মানুষের সমাগম হওয়া সভাখনত বিজেপি সরকারের উপর তীব্র ভাষায় সমালোচনা করে। সভাখনত কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর লগতে ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল, প্রদ্যুৎ বরদলৈ আর বহুকেইজন নেতা উপস্থিত থাকে। कि देश में आज तक रोजगार क्यों नहीं पैदा हुआ। आप किसी भी कोने में चले जाए, किसी भी प्रदेश में चले जाए और आपको पता लगेगा कि हिंदुस्तान अपने युवाओं के लिए रोजगार नहीं पैदा कर रहा है। ये सच्चाई, ये असम की सच्चाई है, ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े भाषण दिए हैं, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, अलग अलग नारे दिए हैं, मगर रोजगार हिंदुस्तान में आजकल नहीं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। स्टूडेंट्स ने मुझसे ये पूछा, मैंने उनको कहा देखिए रोजगार देश कौन पैदा करता है। देश के सबसे बड़े 2-3 उद्योगपति नहीं करते रोजगार, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले करते हैं रोजगार। टी गार्डन्स में पैदा होता है, दुकानदार करते हैं, ये लोग करते हैं। और अगर आप देखें तो पिछले 5-6 सालों में इन पर असम की सरकार और दिल्ली की सरकार ने आक्रमण किया। आपको याद होगा 8 बजे रात को बिना किसी से पूछे देश के प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की। याद है आपको, बोल रहे हिंदुस्तान का कोई नहीं बोल सकता, कोई भी गरीब व्यक्ति नहीं बोल सकता कि पूरे देश को प्रधानमंत्री ने
आठ बजे रात बोला कि 500 रुपए का 1000 रुपए का नोट मैं रद्द कर रहा हूं। सारे के सारे छोटे मिडिल साइज बिजनेस नष्ट हो गए, खत्म हो गए। उस एक कदम से नरेंद्र मोदी जी ने लाखों लोगों को बेरोजगार किया, देश को चोट पाई। आपसे झूठ बोला कि काले धन के खिलाफ लड़ाई, स्टेट से झूठ बोला। क्या काला धन मिट गया? खत्म होने काला धन। फिलोबारी समीरण बरा रिपोर्ट टुडे।